हेलो वेलकम टू परचम मैं पूजा आप लोगों का परचम क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ जैसे कि अभी तक हमने देखा कि किस तरीके से यूरोपियन कंपनीज़ भारत आती हैं ब्रिटिशर्स आते हैं पॉर्चगीज़ आते हैं डच और डेनिश आते हैं फ्रांसीसीज आते हैं और फिर इनके बीच में बैटल शुरू हो जाती है और फिर आपने वॉन्डीवॉस की लड़ाई हो गई या फिर डिफरेंट डिफरेंट बेदरा की लड़ाई हो गई वो सारी लड़ाइयाँ देखी और डच डेनिश फ्रांसीसीज़ और पॉर्चगीज को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हरा कर भारत से बाहर कर देती है इसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का काम क्या हो जाता है कि भारत में जो रूरल एरियाज़ हैं भारत में जो किंगडम हैं जो प्रिंसली स्टेट हैं या फिर इंडिविजुअल इस्टेट्स हैं जैसे कि मराठा सिख राजपूत मैसूर हैदराबाद का निजाम बंगाल का नवाब इन सभी को हरा कर ब्रिटिश राज्य की स्थापना करना, ठीक है है तो यहां से शुरू होती ब्रिटिश राज्य की स्थापना और आपने एंग्लो सिख वॉर एंग्लो मराठा वॉर एंग्लो मैसूर वॉर ये सारी चीजें हमने डिस्कस की हैं। अगर आपने नहीं देखी तो आप की प्लेलिस्ट में के वो सारी चीजें देख सकते हैं अब ब्रिटिश राज की शुरुआत हो चुकी है मुगल पीरियड में या ब्रिटिश राज के पहले क्या सिस्टम चलता था ब्रिटिश राज के पहले सिस्टम चलता था कि आपकी ज़मीन है आप उस पर फार्मिंग कीजिए और फार्मिंग का कुछ हिस्सा वन थर्ड वन फोर्थ अलग अलग पॉलिसीज थी वो हिस्सा जो है वो आपको सरकार को या गवर्नमेंट को या किंगडम को देना पड़ेगा लेकिन ज़मीन पे अधिकार किसका रहेगा फार्मर्स का ही रहेगा इसके पहले ये पॉलिसी चला करती थी लेकिन जब ब्रिटिश राज आता है ब्रिटिश राज जब आता है तो ब्रिटिशर्स को बहुत ज्यादा जरूरत होती है रेवेन्यू की बहुत ज्यादा जरूरत क्या होती है रेवेन्यू की होती है क्यों क्यों होती है नई नई फैक्ट्री सेटअप करनी है रॉ मटेरियल को परचेस करना है आ, उसके लिए मनी की जरूरत है एम्प्लॉयमेंट देना है रोजगार देना है जिन लोगों को आपने काम में लगाया है उनको सैलरी भी देनी है तो गवर्नमेंट को ब्रिटिश राज को ब्रिटिश रूलर्स को अब पैसों की जरूरत है और पैसे कहाँ से मिलेंगे तो पैसे मिलेंगे उनको या तो वो अपनी मिंटिंग और प्रिंटिंग प्रेस लगा लें या तो इंग्लैंड से पैसा मंगाना शुरू कर दें, या तो भारत के अंदर ही अलग अलग टैक्सेस इंपोज करें फार्मर्स पे ट्रेडर्स पे जमींदारों पे और वहां से रिवेन्यू को जनरेट करें तो आज हमें वही सारी चीजें पढ़नी है कि ब्रिटिश राज में किस तरीके से लैंड रेवेन्यू इकट्ठा हुआ था होता था जमींदारी महलवाड़ी और रैयतवाड़ी के बारे में आज हमें बात करनी है बात समझ में आई बहुत अच्छे से समझिएगा तो ये ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी की शुरुआत कैसे होती है क्या क्या एस्पेक्ट्स होते हैं और कैसे ये सारी चीज़ें 1857 के रिवॉल्ट में हेल्पफुल रहेंगी क्योंकि यहीं से तो ऐसा तो है नहीं कि एक दिन से कोई दंगे करने लगे एक दम से कोई विद्रोह या रिवॉल्ट करने लगे धीरे धीरे से बेस तैयार होता है तो यहां से ये बेस तैयार होना शुरू हो रहा है जो फाइनल रिजल्ट कहाँ देगा 1857 के रिवॉल्ट में देगा चलो ये सारी चीज़ें तो आज पढ़नी है और आज की क्लास में दो चीज़ें और पढ़नी है लास्ट में जो मैंने एड ऑन की हैं वो है सन्यासी और बहावी रिवॉल्ट हालांकि काफ़ी सारे रिवॉल्ट हुए थे मोपला कूका ठीक है धीरे धीरे हम उनको भी पढ़ेंगे और 8057 के रिवॉल्ट को भी पढ़ेंगे तो आज मैंने इतनी चीज़ों को आ, क्लास में शामिल किया तो बिल्कुल अंत तक वीडियो को देखेंगे वीडियो देखने के बाद आपको कुछ नहीं करना है परचम की एप्लीकेशन पर जाना है और वहाँ पर मैंने आज की क्लास से रिलेटेड क्विज दिया है उस क्विज़ को सॉल्व कीजिए और देखिए कितना आपको समझ में आ रही हैं चीज़ें साथ ही साथ आपके पास जो भी एम की बुक है अगर नहीं है तो लूसेंट पब्लिकेशन की एम की बुक खरीद सकते हैं आप इंग्लिश और हिंदी दोनों में है तो जो भी आपके पास एम सी क्यू की बुक है आप नंबर ऑफ क्वेश्चन को लगाइए तो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाएगी ठीक है आइए सेशन की शुरुआत करते हैं एक बार लिंक को शेयर करेंगे आपको आज का एजेंडा समझ में आया होगा कि आज हमें पढ़ना क्या क्या है चलो इसके पहले कल के क्लास में भी मैंने आपको कॉन्टेस्ट के बारे में बताया था कि परचम क्लासेस के द्वारा आप लोगों के लिए कॉन्टेस्ट तैयार किया गया है जिसमें आपको फाइव क्वेश्चंस के आंसर जो है वो परचम की मेल आईडी पर देने हैं जो फर्स्ट थ्री लोग होंगे जिनके सही आंसर होंगे उनको एक्साइटिंग प्राइस जो है वो परचम क्लासेस के द्वारा दिए जाएंगे तो आज की क्लास में भी आपको एक क्वेश्चन मिलने वाला है इसके पहले क्लास में भी मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था क्लू क्वेश्चन आज भी आपको वीडियो को अच्छे से देखिएगा बीच में आपको क्लू क्वेश्चन मिलेगा जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में नहीं देना मुझे नहीं देना आपको ये पर्चम क्लासेस के जी मेल पर ये क्वेश्चंस के आंसर मेल करने हैं 31 जुलाई तक आपको पूरे वीडियोस देखने और पांच क्वेश्चन के आंसर कलेक्ट करने है। ओके है चलो स्टार्ट करते हैं तो सुनिएगा कहानी की तरह सुनिएगा जो लिखा है वो तो आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिल ही जाएगा आप आराम से पढ़ना बस समझो कि कहानी कैसे चल रही है क्योंकि मैं बहुत सारे टर्मोलॉजी ऐसी बोल दूंगी जो कि एग्जाम में बहुत ज्यादा जरूरी होती है तो सबसे पहले हम बात करते हैं देखो रॉबर्ट क्लाइव की ऐसा एक बहुत बड़े हिस्टोरियन ने कहा है कि जो ब्रिटिश राज की शुरुआत की है वो किसने की है रॉबर्ट क्लाइव ने की है जैसे कि घर बनाना है मुझे तो पहले होता है फाउंडेशन है ना पहले होता है फाउंडेशन तो फाउंडेशन की शुरुआत किसने की थी रॉबर्ट क्लाइव ने की थी ब्रिटिश राज की फिर फाउंडेशन के ऊपर हम बीम डालते हैं बीम डालने का काम किसने किया था लॉर्ड कार्डवालिस ने किया था फिर उस पर बिल्डिंग बनाने का काम लॉर्ड वेलीजेली ने किया था और उस बिल्डिंग को रेनोवेट करने का काम उस बिल्डिंग को और मजबूत करने का काम लॉर्ड डलहौजी ने किया था बेसिकली इस ब्रिटिश राज में चार गवर्नर जनरल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कौन कौन एक रॉबर्ट क्लाइव है लॉर्ड कार्नवालिस है लॉर्ड वेलीजेली है और लॉर्ड डलहौजी है इन चार लोगों के नाम आपको याद रखने इन चारों से क्वेश्चन एग्जाम में फ्रेम होते हैं ठीक है तो अब हम बात करते हैं रॉबर्ट क्लाइब से आप सभी को मैंने 1757 का बैटल ऑफ प्लासी पढ़ाया था प्लासिक का युद्ध आपको सिखाया था 1764 का मैंने आपको बैटल ऑफ बक्सर सिखाया था और 1765 की इलाहाबाद की ट्रिटी भी आपको बताई थी जो कि रॉबर्ट क्लाइब ने की थी रॉबर्ट क्लाइव की उस ट्रिटी के बाद बंगाल बिहार और उड़ीसा का दीवानी अधिकार टैक्स वसूलने का अधिकार जो है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल जाता है और वहां से रॉबर्ट क्लाइव शुरुआत करता है डायर की सिस्टम की तो क्वेश्चन आता है कि भारत में द्वैध शासन की शुरुआत या भारत में डायर के सिस्टम की शुरुआत किसने की थी तो आंसर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव अब बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे मेरे जिनको नहीं पता होगा कि डायर के सिस्टम होता क्या है डायर के सिस्टम का मतलब होता है डुअल गवर्नमेंट एक नाम मात्र का राजा और एक एक्चुअल राजा मतलब रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया सारा रिवेन्यू कलेक्ट करने का काम डिफेंस को डिफेंस एक्सटर्नल अफेयर्स ये आ, इंटरनल सिक्योरिटी ये सारे मुद्दे अपने पास रख लिए और एडमिनिस्ट्रेटिव के कुछ काम जो है वो किसको दे दिए किंग को दे दिए उस स्टेट के प्रिंसली स्टेट के किंग को दे दिए और बोला गया कि हम बदले में आपको थोड़ा बहुत टैक्स देते रहेंगे जिससे आप एडमिनिस्ट्रेशन चला सको मतलब नाम मात्र का राजा राजा और पूरा कंट्रोल किसके हाथ में था ब्रिटिशर्स के हाथ में था तो डुअल गवर्नमेंट जहां चलती है उसे हम डायर सिस्टम कहते हैं द्वैध शासन के नाम से उसको जाना जाता है तो रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में सबसे पहले डायर सिस्टम की शुरुआत की थी ठीक है तो रॉबर्ट क्लाइव बन जाते हैं अब यहां से शुरुआत होती है कॉलोनिकल इकोनॉमी की औपनिवेशिक बाद ये क्या होता है सुनिएगा इस टर्म का मतलब समझिए किसी कंट्री के रिसोर्सेज को दूसरी कंट्री के द्वारा अपने प्रॉफिट के लिए यूज करना कॉलोनिकल सिस्टम कहलाता है मतलब भारत के रिसोर्सेज को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के द्वारा इंग्लैंड के लिए यूज़ करना मतलब दूसरी कंट्री के लिए यूज़ करना अपने प्रॉफिट के लिए अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए ये जो सिस्टम कहलाता है ये कॉलोनिकल इकोनॉमी कहलाती है औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था कहलाती है तो रॉबर्ट क्लाइव के समय से ये इकोनॉमी स्टार्ट होती है अब कई सारे लोगों ने इसके बारे में अलग अलग यहाँ पे स्टेटमेंट्स दिए हैं सबसे बड़ा स्टेटमेंट जो देते हैं वो ड्रेन थ्योरी के बारे में देते हैं सुना होगा ना ड्रेन थ्योरी के बारे में ड्रेन थ्योरी इसका ये मतलब है कि भारत की जो यूजफुल चीज़ें हैं भारत की जो रिसोर्सेज है भारत की जो इकोनॉमी है रेवेन्यू है, है वो सब आप इकट्ठा करके कहाँ ले जा रहे हो ब्रिटेन ले जा रहे हो और ब्रिटेन की इकोनॉमी में आप उसको यूज कर रहे हो मतलब भारत का पैसा भारत से बाहर जाता जा रहा है और भारत की इकोनॉमी कम होते जा रही इसको ये हम ड्रेन थ्योरी कहते हैं ये ड्रेन थ्योरी किसने दी थी तो ड्रेन थ्योरी आपको दी थी दादा भाई नौरोजी ने द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले इस थ्योरी को दिया था और इन्होंने अपनी एक बुक भी पब्लिश की थी जिसका नाम है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया ठीक है हालांकि 1897 सेवन का जब कांग्रेस की कॉन्फ्रेंस कॉन्फ्रेंस होती तो उसमें इस बात को एडॉप्ट किया जाता है कि भारत का जो पैसा है वो भारत से बाहर जा रहा है एक बहुत बड़े हिस्टोरियन ने ये भी कहा है कि जो ब्रिटिशर्स uh, है ब्रिटिशर्स की जो इकोनॉमी है या पॉलिसी एक स्पंज की तरह है स्पंज समझते हो ना स्पंज की तरह तरह है जो गंगा के किनारे का यूजफुल रिसोर्सेस को सोख कर टेम्स नदी लंदन के किनारे छोड़ देती है बात समझ में आई क्या स्टेटमेंट दिया गया है कि जो ब्रिटिशर्स की पॉलिसी या इकोनॉमी है वो स्पंज की तरह है जो गंगा के किनारे यूजफुल रिसोर्सेस को सोख कर एब्सॉर्ब कर, कर टेम्स नदी लंदन के किनारे छोड़ देती है तो पॉवर्टी इन अनविटिश रूल इन इंडिया किसने दिया था दादा भाई नौरोजी ने दिया था साथ ही साथ यहाँ पर रजनी पाम दत्ता का नाम अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने इंडिया टुडे आज का भारत या इंडिया टुडे एक बुक लिखी है जिसमें इन्होंने इस पूरी इकोनॉमी को तीन फेजेज में डिवाइड किया है तो आइए हम एक एक करके वो फेज़ देखते हैं और फिर लैंड रिवेन्यू सिस्टम के बारे में हम बात करते हैं आज का टॉपिक थोड़ा सा बोरिंग आपको लग सकता है लेकिन आप इसको इंटरेस्टिंग अगर तरीके से पढ़ेंगे तो आपको अच्छा लगेगा कि क्या क्या इन लोगों ने हमारे साथ किया तो फर्स्ट फेज की शुरुआत करते हैं ब्रिटिश राज में पहले फेज की शुरुआत होती है 1757 के बाद ठीक है ना 1757 से लेकर 1 सेकंड हम सो 1757 से लेकर 1813 तक ये पहला फेज कहलाता है ब्रिटिश पॉलिसी का ये पहला फेज कहलाता है 1757 से 1813 तक यहाँ पर देखिए क्या क्या होता है तो सबसे पहले तो रॉबर्ट क्लाइव प्लासिक के बैटल जीत चुका है उसने डायर की सिस्टम शुरुआत कर दी है इसके अलावा फर्रुख सैयर का फरमान भी इनके लिए यू नो मील का फ्थर साबित होता है बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है फर्रुख सैयर का फरमान जिसमें उनको दस्तक मिल जाता है कि वो फ्रीली ट्रेड कर सकते हैं अब रेवेन्यू जनरेट करने के लिए आपको मिंटिंग या प्रिंटिंग प्रेस की जरूरत होती तो फर्रुख सैयर ने तो कहा था कि आप अपनी प्रिंटिंग प्रेस बना सकते हैं आप अपनी करेंसी को प्रिंट कर सकते हैं साथ ही साथ यहाँ पर इलाहाबाद की ट्रिटी के बाद बंगाल से राजस्व या बंगाल से टैक्स लेने का अधिकार भी ब्रिटिशर्स को मिल जाता है इस तरीके से ब्रिटिशर्स जो है वो रेवेन्यू जनरेट करने में लग जाते हैं जिसके कारण जिसके पास पैसा होता है ऑब्वियसली बात है उसकी ग्रोथ भी तेजी से होती है तो अपनी इंडस्ट्रीज को अपनी कंपनीज़ को ग्रोथ करने में इस रेवेन्यू का यूज़ ये लोग करने लगते हैं ठीक है इस रेवेन्यू का यूज़ इन लोग ने करना शुरू कर दिया ये लोग क्या करते थे अभी जो रेवेन्यू इकट्ठा हुआ इस रेवेन्यू से भारत के पैसों से ही भारत से भारत के पैसों से ही भारत से रॉ मटेरियल खरीदते थे और उस रॉ मटेरियल को कहाँ पर भेजते थे ब्रिटेन में भेजते थे और ब्रिटेन में वही रॉ मटेरियल का यूज होकर डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनते थे और वही मटेरियल फिर वापस भारत में आता था क्योंकि भारत की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है भारत तब भी और भारत आज भी बहुत बड़ा मार्केट कहलाता है आप ही सोच के देखिए 130 करोड़ लोग भारत में रहते हैं मैंने कोई प्रोडक्ट बनाया और अगर भारत का हर एक व्यक्ति उस प्रोडक्ट को खरीद ले तो मैं तो करोड़पति वैसे ही हो गई समझ पा रहे हो ना तो उस समय भी भारत बहुत बड़ा मार्केट था और आज भी भारत बहुत बड़ा मार्केट है तो इन लोगों ने क्या किया बंगाल से रेवेन्यू कलेक्ट किया भारत के पैसे कलेक्ट किए भारत के पैसों से भारत से ही रॉ मटेरियल कलेक्ट किया उस रॉ मटेरियल को कहाँ पर भेजा ब्रिटेन भेजा वहां से डिफरेंट प्रोडक्ट बन के आए और उन प्रोडक्ट को भारत में बेचा तो इस तरीके से ये पूरी सिस्टम चलती थी तो इससे क्या होता था देखो आज के समय में क्या होता है जब आप एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते हो तो भारत को फॉरेन करेंसी मिलती है है ना भारत के फॉरेन रिजर्व में ग्रोथ होती है तो यहाँ पर ब्रिटिशर्स क्या कर रहे हैं भारत की चीजें भारत के पैसों से ही भारत की करेंसी से ही खरीद रहे हैं तो भारत को इससे कोई फायदा नहीं हो रहा है क्योंकि ना ही भारत में फॉरन करेंसी आ रही है ना भारत की इकोनॉमी बूस्ट हो रही है तो एक तरीके से आप इसको ड्रेन थ्योरी समझ सकते हैं कि भारत का पैसा ब्रिटेन की तरफ जाता जा रहा है बात क्लियर है साथ ही साथ यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसी ये लोग लॉन्च करते हैं भारत के लोगों को एजुकेट करना शुरू करते हैं अच्छा ये लोग तो अच्छा काम कर रहे हैं भारत के लोगों को पढ़ा लिखा रहे हैं नहीं बेटा वो भारत के लोगों को इसलिए नहीं पढ़ा रहे हैं कि भारत के बारे में बहुत सोच रहा है कि भारत के लोग पढ़ लिख जाएंगे यू पी कर लेंगे और कलेक्टर बन जाएंगे नहीं नहीं उनका एजेंडा समझिए अब देखिएगा मैंने कोई प्रोडक्ट बनाया ठीक है मैंने कोई प्रोडक्ट बनाया मान लेते हैं रूम फ्रेशनर मैंने एक प्रोडक्ट बनाया ठीक है अब उस प्रोडक्ट को लेके मैं मार्केट में जाती हूँ अब जिसको पता ही नहीं कि रूम फ्रेशनर क्या है इसका यूज़ क्या है शुद्ध हवा ही काफ़ी है हमको क्या ज़रूरत है रूम फ्रेशनर की या जो भी है अगर आपको किसी चीज़ की प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है तो क्या आप कभी उसे खरीदेंगे भले वो फ्री में ही क्यों ना मिल रहा हो कभी नहीं खरीदेंगे क्या करेंगे उसको लेके तो देखो अब भारत के लोगों को एजुकेट करने का दो यहाँ पर एजेंडा है पहला लेबर लेबर बहुत सस्ते हैं आज भी भारत के लेबर बहुत सस्ते हैं तो अगर आपको कंपनी में लेबर की ज़रूरत है छोटे छोटे क्लर्क क्लर्क वाले वर्क की जरूरत है तो अगर भारत के लोगों को थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा दोगे तो ये क्लर्क का, का काम करने लगेंगे तो हमें ब्रिटेन से लोगों को नहीं बुलाना पड़ेगा तो हमको अगर ब्रिटेन से लोगों को बुलाओगे काम करने के लिए तो पैसा ज़्यादा लगेगा और भारत के लोगों को अपॉइंट करोगे तो पैसा भी कम देना पड़ेगा पहली चीज दूसरी बात मार्केट तैयार करना हमको एक ऐसा इंडियन एक ऐसा भारतीय तैयार करने में है जो देखने में तो इंडियन हो लेकिन सोच विचार रंग रूप पहनावे से क्या हो वो ब्रिटिशर्स हो so, मतलब उसको थोड़ा बहुत पढ़ा दो कि हाँ ये चीज़ है रूम फ्रेशनर लगाओगे अच्छी खुशबू आएगी अलग अलग यू नो फ्रेग्रेंस में रूम फ्रेशनर आता है मतलब थोड़ा बहुत उसको ज्ञान दे दो तो कम से कम वो हमारे प्रोडक्ट को परचेस करना शुरू कर देगा इसलिए लोग एजुकेशन पॉलिसीज को भी भारत में इंट्रोड्यूस करते हैं और आपको तो पता है कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको मोनोपोली है मोनोपोली मतलब एक अधिकार है कि ब्रिटेन से और कोई कंपनी भारत में नहीं आएगी ट्रेड करने या व्यापार करने तो केवल और केवल मोनोपोली किसकी है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की है बात क्लियर है साथ ही साथ लॉर्ड कांड वालेस आते हैं सेवेंटीन में और भारत में वो परमानेंट सेटलमेंट अभी हम आगे देखेंगे परमानेंट सेटलमेंट क्या होता है परमानेंट सेटलमेंट मतलब स्थाई बंदोबस्त जमींदारी सिस्टम की शुरुआत लॉर्ड कांड वालेस भारत में आके कर देते हैं जिससे भी जो ब्रिटिशर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा रिवेन्यू कलेक्ट करने में मदद मिलती है जिसका उपयोग वो अपनी कंपनीज को एक्सपांड करने में शुरू कर देते हैं बात समझ में आई तो ये पहला फेज होता है जहां पर ये लोग ग्रोथ कर रहे हैं कमर्शियली ये लोग धीरे धीरे ग्रोथ करना शुरू कर रहे हैं ये आपका पहला फेज है सेवनटीन फिफ्टी सेवन से लेकर एटीन थर्टीन तक ठीक है इसके अलावा इन लोग क्या कहते हैं कि भारत के लोगों को कहते हैं सुनिए भारत के लोगों को कहते हैं यार ये गेहूं चावल दाल ठीक है तुम लोग खाओ पियो एंजॉय करो ये सब ठीक है लेकिन आपको कमर्शियल फार्मिंग करनी पड़ेगी कमर्शियल फार्मिंग मतलब आप जूट लगाइए आप कहवा लगाइए कॉफी लगाइए नील लगाइए मतलब आपको अफीम लगाइए आपको कमर्शियल फार्मिंग करनी पड़ेगी क्योंकि हमें रॉ मटेरियल के लिए इन चीजों की जरूरत है जैसे कि मैंने कहा कि एटीन का जो चार्टर एक्ट आता है उसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली को भारत में खत्म कर दिया जाता है लेकिन चीन के साथ चाय के को, चीन के साथ चाय के ट्रेड को खत्म नहीं करते उसका भी रीजन है उसका रीजन सुनिए उसका रीजन ये है कि चीन आज भी सबसे बड़ा टी का प्रोडक्शन कहाँ होता है चाइना में होता है और तब भी चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य देश कौन था था चाइना था अब चाय की चाय की डिमांड सबसे ज्यादा कहां पर है ब्रिटेन में है तो देखो ब्रिटेन के लोगों को चाय चाहिए और चाय कहां से खरीदनी पड़ेगी चीन से खरीदनी पड़ेगी और जब चाय खरीदोगे आप चीन से तो बदले में आपको अपना पैसा भी तो देना पड़ेगा किसी चीज को खरीदोगे तो अब ब्रिटिशर्स पैसा वैसा देना नहीं चाहते तो ब्रिटिशर्स बोलते हैं इंडियंस को आप अफीम लगाओ ठीक है आप अफीम की खेती करो और अफीम को इन लोग एक्सपोर्ट करते थे कहाँ पर अफीम की लत लगाई चाइना के लोगों को और अफीम को एक्सपोर्ट करना कहाँ शुरू किया चाइना में तो ये ट्रैंगल बन गया ये क्या बन गया एक ट्रैंगल बन गया कि चीन ब्रिटेन और हमारा प्यारा भारत तो भारत के लोगों को फार्मिंग करने के लिए बोला कमर्शियल फार्मिंग अफीम की अफीम भेजा जाता था चाइना में और चाइना से टी भेजी जाती थी ब्रिटेन में और ब्रिटेन को ना पैसे देने की ज़रूरत है और ना कुछ और क्योंकि ब्रिटेन तो ऑलरेडी कब्जा करके बैठा हुआ है भारत पे बात समझ में आई इसलिए चीन के साथ चाय के व्यापार की मोनोपोली को खत्म नहीं किया था चार्टर एक्ट से 1813 में बाकी सारी मोनोपोली को खत्म कर दिया था तो यहां पर भारत में बोला जा रहा है कि आप कमर्शियल फार्मिंग करो जबरदस्ती उनको तीन खटिया सिस्टम के बारे में आपको पता होगा कि नील की खेती करो जूट लगाओ कपास मतलब कॉटन लगाओ तभी तो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बढ़ेंगी अफीम लगाओ क्योंकि चाइना भेजना है तो इस तरीके से कमर्शियल फार्मिंग को प्रमोट करने लगे अच्छा जब कमर्शियल फार्मिंग को आप प्रमोट करोगे तो जो हमारी ओरिजिनल फार्मिंग है जो हमारी नॉर्मल खेती है जहां पे हम वीट राइस पल्सेस प्रोड्यूस करते तो उनका प्रोडक्शन कम हो जाएगा जब किसी चीज़ का प्रोडक्शन कम होता है और डिमांड बढ़ती है तो आपको इकोनॉमी के रूल तो पता होंगे कि मार्केट में उन चीज़ों के वैल्यू बढ़ जाती हैं तो जो डेली चीज़ें थी जो कि गेहूँ चावल थे उनके दाम क्या होने शुरू हो गए बढ़ना शुरू हो गए तो किसानों पर एक और बर्डन ये आ गया कि भाई अब डेली मर्रा की चीज़ें भी अब मार्केट में महंगी हो रही हैं और कमर्शियल फार्मिंग के जरिए इन लोग बहुत ज़्यादा रेवेन्यू भी जनरेट करते थे जिसके कारण भारत में जो ओरिजिनल फार्मिंग है वो कम होते गई और भारत में भूखमरी मतलब लोग भूख से मरने लगे उनके पास खाना नहीं है क्योंकि जो खाना अवेलेबल है वो बहुत ज़्यादा प्राइजेस में अवेलेबल है तो भूखमरी यहाँ पर एक समस्या उभर कर आई फर्स्ट फेज में बात समझ में आई और अब किसी को खाना नहीं मिलेगा तो वो रिवॉल्ट करेगा कि नहीं करेगा तो आंसर है यस बिल्कुल करेगा तो आगे यही किसान रिवॉल्ट में शामिल होंगे 1857 के बात क्लियर हुई चलो हम सेकेंड फेज की बात करते हैं सेकेंड फेज शुरू होता है एटीन से लेकर एटीन के बीच का ये सेकेंड फेज कहलाता है क्योंकि 1813 में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ जाता है औद्योगिक क्रांति आ जाती है अब हाथ से काम करने की जरूरत नहीं बड़ी बड़ी मशीनें अवेलेबल है वो बड़े बड़े प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करेंगे तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो चुका है अब जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होता है सभी लोग अपने अपने कंपनी के प्रोडक्ट्स को जनरेट कर रहे और सभी को अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए बहुत बड़े मार्केट की जरूरत है और आप सभी जानते हैं भारत से बड़ा मार्केट तो कोई हो ही नहीं सकता तो ब्रिटेन की दूसरी कंपनीज भी कह रही हैं कि नहीं भाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा हम लोगों को भी भारत जाने दीजिए हमको भी अपना सामान भेजना है तो बिल्कुल इसलिए चार्टर एक्ट एटीन थर्टीन से हमने क्या किया मोनोपोली को ख़त्म कर दिया और दूसरी ब्रिटेन की कंपनियां भी भारत आना शुरू हो गई तो भारत आना जब दूसरी कंपनियां शुरू होंगी तो रॉ मटेरियल की डिमांड और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी और जब रॉ मटेरियल की डिमांड और ज़्यादा बढ़ जाएगी तो किसानों को फार्मर्स को और ज़्यादा प्रेशर किया जाएगा फार्मिंग के लिए उनसे और ज़्यादा टैक्सेस वसूले जाएंगे तो उनकी हालत और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी और इंडियन इकोनॉमी एक तरीके से बिल्कुल डाउन हो जाएगी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी बात समझ में आ रही है ये हुआ पहली चीज अब रॉ मटेरियल की डिमांड बढ़ रही है साथ ही साथ यहाँ पर रेलवे लॉर्ड डलहौजी देखिए आ चुके हैं और यहाँ पर रेलवे पोस्टल सर्विस रोड एंड ट्रांसपोर्ट ये सब यहाँ पर तैयार होता जा रहा है रेलवे की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी ने की थी इसलिए नहीं की थी कि भारत के लोग ट्रेन में घूमें शिमला मनाली घूमने जाए नहीं नहीं ट्रेन की शुरुआत इन्होंने अपने पर्पज से की थी इनके दो पर्पज थे पहला पर्पज था कि रॉ मटेरियल को आसानी से हम पोर्ट्स तक पहुंचा सकें और ब्रिटेन से जो प्रोडक्ट बनकर आते हैं वो ट्रेन और रोड ट्रांसपोर्ट के जरिए भारत के डिफरेंट एरियाज में पहुंचा सकें और उनको बेच सकें पहला रीज़न दूसरा रीज़न होता है कि अगर कभी भी कहीं पर भी कोई भी किसान जमींदार या कोई भी ट्राइबल ग्रुप कोई भी अगर रिवॉल्ट करता है विद्रोह करता है तो रेलवे के ज़रिए हम बहुत जल्दी अपनी ट्रूप को अपनी आर्मी को वहाँ पर पहुँचा देंगे और उस रिवॉल्ट को उस विद्रोह को ख़त्म कर देंगे ये मेन एजेंडा था इन लोगों का रेलवे को डेवलप करने का तो इसलिए भारत में रेलवे लेकर कौन आए ब्रिटिशर्स लेकर आए तो यहाँ पर रेलवे का डेवलपमेंट हो चुका है इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका है अब देखो जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाता है जब सामान जो है वो मशीनों से बनना शुरू हो जाता है तो उनके दाम ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं इस बात से तो आप एग्री करते होंगे अब हाथ से बनी चीजें होती है जो भी हाथ से बनी आज भी जो हथकरघा के प्रोडक्ट होते हैं आपने देखे होंगे वो काफी ज्यादा महंगे होते हैं क्योंकि वो हाथ से बने होते हैं तो जब चीजें आपको सस्ती मिलेंगी तो हम उन च, चीजों की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर भारत के जो उद्योग थे भारत की जो इंडस्ट्रीज थी हथकरघा उद्योग वगैरह जो थे वो पूरी तरीके से खत्म हो गए क्योंकि अब कपड़ा ब्रिटेन से बन के आता था जो काफ़ी सस्ता होता था तो हाथ से बने हुए कपड़ा जो कि काफ़ी महंगा है उसको कौन खरीदेगा तो भारत में भारत में अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी की समस्या भी सामने आ गई तो भुखमरी थी अब बेरोजगारी भी आ गई लोगों के पास ना जॉब है ना खाने को पैसा है तो ये कंडीशन यहाँ पर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में भारत में देखने को मिली तो जब ये सारी चीज़ें होंगी तो रिवॉल्ट होगा तो बिल्कुल देखो इसी के बीच में एट्टीन का रिवॉल्ट हो जाता है अठारह की क्रांति हो जाती है जो कि हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे चलो अब जब रिवॉल्ट हो गया तो ब्रिटिशर्स थोड़ा सा डर गए कि अरे यार अमेरिका तो हमसे हाथ से निकल गया क्योंकि जैसे कि भारत में जो सिस्टम ब्रिटिशर्स का था कॉलोनिकल सिस्टम औपनिवेशिक बाद वैसे अमेरिका भी एक औपनिवेशिक था अमेरिका आ, ब्रिटेन का ठीक है तो अमेरिका तो उनके हाथों से निकल गया अभी सोच रहे हैं कि भारत को भी हाथों से ना निकाल दिया जाए तो अब ब्रिटेन का जो क्राउन है वो बोलती है नहीं 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 ना अब ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल को हम खत्म करते हैं अब भारत में चलेगा रूल किसका क्राउन का तो आप सभी को पता है ना 1858 से भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल था वो ख़त्म हो गया और ब्रिटिश क्राउन डायरेक्टली कंट्रोल करने लगी भारत को ठीक है ना इसके पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत को रेगुलेट कर रही थी अब 1858 के बाद क्या हुआ सीधे क्राउन कंट्रोल करने लगा ठीक है तो अब थर्ड फेज़ की शुरुआत भारत में होती है तो थर्ड फेज ये सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं आपको मिल जाएंगी ठीक है अगर हम बात करें थर्ड फेज़ के बारे में तो थर्ड फेज़ की शुरुआत 1858 से होगी वन सेकेंड 1858 से 1947 तक थर्ड फेज़ भारत में चलता है ठीक है चलो अब इसमें क्या होने लगा अब थर्ड फेज तक आते आते जो भारत सबसे बड़ा एक्सपोर्टर था चीज़ों को निर्यात करता था अब भारत सबसे बड़ा इंपोर्टर बन गया चीज़ों को अब आयात करने लगा तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक भारत के सामने आया भारत की इकोनॉमी के सामने आया कि हम कभी सोने की चिड़िया थे हम चीज़ों को एक्सपोर्ट किया करते थे और अब भारत की कंडीशन ये है कि हम चीज़ों को इम्पोर्ट करने लगे साथ ही साथ थर्ड फ़ेज़ में इन्होंने रेलवे को डेवलप करने डेवलपमेंट करने पे ध्यान दिया बैंकिंग सेक्टर पर ध्यान देना थर्ड फ़ेज़ में शुरू हुआ तो थर्ड फ़ेज़ से ही आपको भारत में बैंकिंग सिस्टम की शुरुआत रेलवे ट्रांसपोर्ट पोस्टल सर्विस की शुरुआत इंश्योरेंस कंपनीज़ की शुरुआत जो है वो आपको थर्ड फ़ेज़ में ही देखने को मिलती है साथ ही साथ जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भारत के बाहर चल रहा है तो ब्रिटिश के क्राउंड ने बोला कि भारत के जो पूंजीपति हैं भारत के वो लोग जिनके पास कैपिटल है उनको बोलो कि भारत में वो रेलवे में बैंकिंग सेक्टर में इंडस्ट्रीज सेटअप करने में अपनी कैपिटल को इन्वेस्ट करें तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे भारत के लोग भी कैपिटल इन्वेस्ट करने लगे अगर आप बात करेंगे 1907 में तो आपने टाटा के बारे में सुना होगा टाटा ग्रुप के बारे में सुना होगा उन्होंने जमशेदपुर टाटा स्टील प्लांट की शुरुआत की मतलब भारत के जो कैपिटल है अब वो इंडस्ट्रीज में लगने लगी है रेलवे में बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज का योगदान था बैंकिंग सेक्टर में प्राइवेट कंपनीज ने जो है वो कैपिटल इन्वेस्ट करना शुरू की ठीक है तो साथ ही साथ दूसरी देशों को भी बोला गया कि भारत में आके इन्वेस्ट करो जिसको आज, आज आज के समय में आप एफ डी आई कहते हैं तो दूसरी कंपनीज भी भारत में आना शुरू हुई और उन्होंने सेटअप करना शुरू किया क्यों क्योंकि भारत में अब रोड हो चुकी है रेलवे हो चुका है भारत में रॉ मटेरियल अवेलेबल और भारत में जो लेबर चार्जेस है वो बहुत कम है बहुत सस्ते में काम हो जाता है साथ ही साथ यहीं पर आप देखेंगे फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल मिल जो है वो बॉम्बे में 1853 फिफ्टी थ्री में सेटअप की गई थी तो इसको भी याद रखना कि पहली सूती कपड़ा मिल कहाँ पर लगाई गई तो बॉम्बे में एट्टीन में लगाई गई थी नाना भाई डाबर के द्वारा डाबर डाबर आपने कंपनी सुनी होगी ना नाना भाई डॉबर के द्वारा ये कंपनी लगाई गई थी और पहली जूट मिल जो है वो बंगाल में लगाई गई थी क्लियर है तो इस तरीके से भारत में स्टील आयरन सीमेंट शुगर अलग अलग इंडस्ट्रीज बनना शुरू हो गई ठीक है तो ये तो भारत में आपने देखा कि इकोनॉमी के तीन फेजेस हमने देखे हैं एक सेवनटीन से लेके 1813 तक फिर 1813 से लेके 1858 तक और फिर 1858 से लेके 1947 तक अब इसके बीच में कुछ लैंड ले, रिवेन्यू सिस्टम भी आते हैं जैसा कि मैंने कहा कि ब्रिटिशर्स के पहले ज़मीन पे कब्जा जो होता था वो फार्मर्स का होता था फार्मर प्रोडक्शन करते थे और उसका कुछ हिस्सा जो है वो गवर्नमेंट को या फिर आप कह सकते हैं कि एम्पर को दिया करते थे लेकिन आते हैं में। ओके? इसलिए इसके बारे में बात नहीं करेंगे चार्टर एक्ट 1773 जब गवर्नर बन चुके हैं वॉरन हास्टिंग तो वॉरन हेस्टिंग जो है वो सत्रह में 1772 में बंगाल के गवर्नर बनते हैं और जिनको बंगाल का गवर्नर जनरल कहते हैं तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन होता है वॉरेन हेस्टिंग कहते हैं तो वॉरेन हेस्टिंग क्या करते हैं भारत में डाय की सिस्टम जो कि रॉबर्ट क्लाइव ने शुरू की थी ना उसको खत्म कर देते हैं तो रॉबर्ट क्लाइव की डाईआर को खत्म करने का, का काम कौन करते हैं वॉरन हेस्टिंग करते हैं ठीक है ना अभी रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए भारत में नए नए सिस्टम को इम्पोज करना शुरू करते हैं ठीक है लैंड रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए अलग अलग सिस्टम यहाँ पर इंट्रोड्यूस होते हैं सबसे पहले जो सिस्टम शुरू होता है वो यहाँ पर मेंशन नहीं है इज़ारेदारी सिस्टम इज़ारेदारी सिस्टम अब इजारेदारी सिस्टम वारन हेस्टिंग ने शुरू किया था एक साल में ही ख़त्म हो गया था अनसक्सेसफुल था बस सुन लीजिए कि ये सिस्टम होता क्या है आपको बस दो बातें याद रखनी है पहली चीज़ इजारेदारी सिस्टम की शुरुआत सेवनटीन में किसने की थी वॉरन हेस्टिंग ने की थी, थी। अनसक्सेसफुल सिस्टम था एक साल में ही ख़त्म हो गया था और उसके बाद फिर तीन नए सिस्टम आते हैं जमींदारी महलवाड़ी और रैयवाड़ी ओके तो इन्होंने क्या किया इजारेदारी सिस्टम का क्या मतलब होता है हमको ज़मींदारों का को कोई रोल चाहिए ही नहीं है क्योंकि ज़मींदार से बोलो कि वो ज़मीन है वहां से टैक्स वसूल लो पता चला उसने वहां से सौ रुपये टैक्स ले लिया और हमको बोला कि अरे यार वहां से तो पचास रुपये टैक्स मिला है तीस आप रख लो बीस हम रख लेते हैं और बाकी तो पचास उसने पहले ही बचा लिया मतलब जमींदारी जो करते हैं वो क्या करते हैं सामान खा लेते हैं बीच में तो फॉरन एस्टिक चाहते थे कि जमींदारों का को कोई रोल होगा ही नहीं ज़मींदारों को भी हमें इतना इंपॉर्टेंस नहीं देना है हम एक कर क्या काम करते हैं बिडिंग सिस्टम की शुरुआत करते हैं क्या करते हैं बिडिंग तो हम जैसे ज़मीन का टुकड़ा है उस पर बिड करेंगे ठीक है ना लोग बिडिंग करेंगे और जिसकी बिड सबसे ज़्यादा होगी उसको कुछ समय के लिए वो जमीन दे देंगे वहाँ से वो रेवेन्यू को इकट्ठा करेगा और गवर्नमेंट को देगा मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को देगा तो ये इजारे सिस्टम की शुरुआत किसने की थी वॉरिनस्टेक ने की थी जो बिडिंग बिटे... बिटे... के कॉन्सेप्ट काम करता था ठीक है ना लेकिन इससे रेवेन्यू कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ आप यहाँ पे एक रेवेन्यू इंक्री इंक्रीमेंट क्यों नहीं हुआ क्योंकि जैसे कि एक ज़मीन का टुकड़ा है मैंने उस पर बिड करी कि आ, मैं आ, आपको वन सिक्स या वन फोर्थ या वन थर्ड रेवेन्यू टोटल रेवेन्यू का दूंगा तो एक तो फिक्स अमाउंट हो गया ना अगर प्रोडक्शन ज़्यादा भी हो रहा है तो भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बिडिंग के हिसाब से ही पैसा मिलेगा तो उस तरीके से आय में इंक्रीमेंट हुआ नहीं और कोई भी लैंड रिफॉर्म क्योंकि यहाँ पे जो ठेकेदार हैं जो बिड कर रहे हैं उनको रेवेन्यू से मतलब है उनको किसानों की स्थिति से कोई मतलब नहीं लैंड रिफॉर्म कराने से उनको कोई मतलब नहीं तो लैंड रिफॉर्म के सेक्टर में कोई भी काम नहीं हुआ तो ये जो प्रोसेस थी इजादेदारी सिस्टम वो पूरी तरीके से अनसक्सेसफुल हुई इसलिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा समय समय पर तीन नए नए सिस्टम्स को इम्पोज किया गया एक तो जमींदारी सिस्टम जिसको परमानेंट सेटलमेंट या स्थाई बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है महलवाड़ी और रयतवाड़ी एक एक करके इनको समझ लेते हैं ठीक है चल तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्थाई बंदोबस्त मतलब परमानेंट सेटलमेंट के बारे में पहला क्वेश्चन परमानेंट सेटलमेंट की शुरुआत किसने की थी तो लॉर्ड कार्नवालिस ने की थी 1793 में इसकी शुरुआत लॉर्ड कार्नवालिस के द्वारा की गई थी अब नाम से समझ में आ रहा है परमानेंट सेटलमेंट स्थाई बंदोबस्त क्योंकि लॉर्ड कार्न वाले जानते थे कि लोकल लैंग्वेज अगर आप किसी से लोकल लैंग्वेज में कम्युनिकेट करते हो तो कम्युनिकेशन आसान होता है अब कोई कोई व्यक्ति तेलुगु बोलता है और आप कन्नड़ बोलते हैं या फिर आप असमी बोलते हैं तो हाउ हाउ वी कैन कम्युनिकेट ना तो लोकल लैंग्वेज को जानना जरूरी है तो किसानों से अगर आपको बात करनी तो आपको उनकी लैंग्वेज जाननी पड़ेगी लेकिन हम तो उनकी लैंग्वेज जानते नहीं है हमारे तो कोई उनसे अटैचमेंट भी नहीं है इसलिए बीच में हमको जमींदारों की ज़रूरत है क्योंकि जमींदार ही जो है वो हमको सपोर्ट करेंगे तो ये जमींदारों को वापस लेकर आए ये जमींदारों को वापस लेकर आए और जमींदारों को कहा कि चलो हम एक डील साइनमें साइन करते हैं कि आपके पास जमीन है आप इसका इतना हिस्सा जो है वो आप हमको देंगे ये होता है परमानेंट सेटलमेंट ठीक है ना जैसे कि आ, आपका जो भी रिवेन्यू है हमको कोई मतलब नहीं आप तो रिवेन्यू इकट्ठा कीजिए और रिवेन्यू का सिक्सटी परसेंट आप हमको दो रिमेनिंग आप रखो मान लेते हैं ऐसा सेटलमेंट हो गया अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को तो ये भी नहीं पता है कि जमींदार किसानों से कितना ले रहा है तो किसान किसानों से जमींदार अपनी मन, मन, मन मर्जी से पैसा वसूल कर सकते हैं ना क्योंकि हमको तो सिक्सटी परसेंट ही जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को देना है बात समझ में आ रही है ना हमको तो सिक्सटी परसेंट ही केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को देना है किसानों से तो हम अपनी मर्जी से जितना अपनी जेब में भर सकें हम भरेंगे तो जमींदारों ने यहाँ पे किसान किसानों को शोषण करना शुरू कर दिया अपनी मन मर्जी से पैसे को वसूलना शुरू कर दिया जिससे किसान बहुत नाराज़ हुए उनकी इकोनॉमी कंडीशन काफ़ी बुरी हो गई और वो रिवॉल्ट करने पे विद्रो करने पर आगे आए पहला ड्रॉबैक इस सिस्टम का ये निकला दूसरी बात अब अगर ज़्यादा प्रोडक्शन होता है कम प्रोडक्शन हो रहा है तो तो स्थायी बंदोबस्त है कम प्रोडक्शन भी हुआ हमको कोई मतलब नहीं आप तो हमको आपने अस्सी कमाया तो भी साठ परसेंट तो आपको हमें देना ही पड़ेगा लेकिन अगर प्रोडक्शन अच्छा हुआ तो पूरा पैसा किसके पास जाता था जमींदारों के पास क्योंकि यहाँ पे तो परमानेंट सेटलमेंट है हमको इतना पैसा ही देना है तो एक तरीके से यहाँ पे ब्रिटिशर्स की जो आय थी उनकी जो इनकम थी उसमें ग्रोथ देखने को नहीं मिली इसलिए बाद में जाके परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम को भी खत्म कर दिया गया बात समझ में आ रही इस परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम को ही जमींदारी सिस्टम कहते हैं क्योंकि इसमें जमींदारों का रोल था लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने का काम फार्मर से कौन करते थे जमींदार करते थे एक इंटरमीडिएटर की तरह जमींदार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फार्मर के बीच में काम करते थे अगर कोई किसान अगर कोई किसान टैक्स नहीं दे पाता था तो जमींदार उसकी जमीन को बेच लेते थे बेच सकते थे मतलब जमीन को जमींदार लोग बेच सकते थे किसानों की पहली चीज दूसरी बात अगर कोई जमींदार जैसे कि बोला है कि साठ परसेंट आपको हमें टैक्स देना है कोई जमींदार अगर हमको टैक्स नहीं दे पाएगा तो हम उसकी जमींदारी को भी खत्म कर सकते हैं ये प्रोविज़न यहाँ पर किए गए थे तो यहाँ पर रूल क्या था कि आपका जो भी टोटल रिवेन्यू कलेक्ट होता है उसका टेन बाय अलेवन आप हमको दीजिए और जो रिमेनिंग है वन बाय टेन हिस्सा वन बाय एलेवन हिस्सा वो आप अपने पास रखिए तो टेन बाय हिस्सा जो है वो किसको देना होता था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को रिमेनिंग हिस्सा जो है वो जमींदार अपने पास रखते थे ये जो तो जमींदारी सिस्टम की शुरुआत कहाँ होती है तो सबसे पहले बंगाल में इसकी शुरुआत होती है लॉर्ड कांडवालिस के द्वारा तो बंगाल बिहार उड़ीसा उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में ये पूरी ज़मींदारी सिस्टम या परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम चलता था सबसे ज्यादा नुकसान इसको किसको हुआ सबसे ज्यादा नुकसान इसको हुआ किसानों को क्योंकि किसानों से जमींदार अपनी मर्जी से टैक्स वसूलते थे तो किसानों को शोषण होना शुरू हुआ पहली चीज सबसे अधिक फायदा किसको हुआ तो सबसे ज्यादा फायदा हुआ जमींदों को इसका इफेक्ट आप एटीन के रिवॉल्ट में देख सकते हो कि एटीन के रिवॉल्ट में अठारह की क्रांति में, में जमींदार जो थे वो इंडिया की तरफ से नहीं लड़ रहे थे वो ब्रिटिशर्स के साथ लड़ रहे थे क्यों क्योंकि जमींदारों को ही तो सबसे ज्यादा फायदा ब्रिटिशर्स की पॉलिसी से हो रहा था क्योंकि उनके जेब तो बढ़ते जा रहे थे तो सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ जमींदारों को सबसे ज्यादा नुकसान किसको हुआ किसानों को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो ना ही इनको ज़्यादा नुकसान हुआ ना ही इनको ज़्यादा घाटा हुआ लेकिन हाँ इनकम उतनी ग्रोथ नहीं कर पाई क्योंकि परमानेंट सेटलमेंट था इसलिए यहाँ परमानेंट सेटलमेंट को आगे जाके बंद कर देते हैं ठीक है परमानेंट सेटलमेंट को आगे जाके हम क्या करते हैं बंद कर देते हैं और अगला सिस्टम लेकर आते हैं रैयतवाड़ी सिस्टम ओके, okay. सो so, रैयतवाड़ी सिस्टम के बारे में बात करते हैं 1819 से लेके 1819 uh, से लेके 26 तक ये रैयतवाड़ी सिस्टम चलता है रैयतवाड़ी सिस्टम किसने शुरू किया था तो एटीन सेंचुरी में अलग जेंडर रीड और सर टॉमस मुनरो अलेक्जेंडर रीड और सर थॉमस मुनरो के द्वारा रईअवाड़ी सिस्टम की शुरुआत की थी सर थॉमस सिस्टम तमिलनाडु मद्रास में स्टार्ट किया था तो मद्रास में थॉमस रीड मुनरो के द्वारा ये सिस्टम की शुरुआत रईअवाड़ी सिस्टम की शुरुआत हुई थी रैयत का मतलब होता है किसान ठीक है रैयत का मतलब होता है किसान मतलब जमीन का अधिकारी जमीन का जो लैंडलॉर्ड है वो कौन होगा किसान होगा जमीन का लैंडलॉर्ड कौन होगा किसान होगा अब यहाँ पर किसी भी जमींदार की ज़रूरत नहीं है अब किसान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फेस टू फेस कम्युनिकेट करे कि किसान जो भी रेवेन्यू होगा टैक्स होंगे वो डायरेक्ट ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी को देगा है ना कोई भी जमींदार की यहाँ पे ज़रूरत नहीं तो बीच के जो बिचौलिए होते हैं इंटरमीडिएट होते हैं जो पैसा खा लेते हैं उनको ख़त्म कर दिया गया इस रैयतवाड़ी सिस्टम में क्योंकि यहाँ पे रैय का मतलब जो होता है वो किसानों से तो अलेक्जेंडर रीट और सर थॉमस मुनरो के द्वारा मद्रास में इस सिस्टम की शुरुआत की गई रैयतवाड़ी सिस्टम की ज़मीन पर अधिकार किसका था किसानों का था लेकिन अगर किसान लेकिन अगर किसान रेवेन्यू नहीं चुका पाते थे एक तो टैक्सेस बहुत ज़्यादा इम्पोज़ कर दिए लगभग 50 परसेंट के लास्ट पास टैक्सेस यहाँ पर इम्पोज़ कर दिए गए तो अगर यहाँ पर किसान रिवेन्यू नहीं दे पाते थे टैक्स नहीं दे पाते थे तो उनकी ज़मीन को ख़रीद लिया जाता था या उनकी ज़मीन को छीन लिया जाता था और बेच दिया जाता था इससे बहुत ज़्यादा असंतोष बहुत ज़्यादा जा मतलब मार्केट में रिवोल्ट या विद्रोह होने के चांसेस बन रहे थे दूसरी बात अब देखो जैसे मुझे पता चल रहा है कि इस किसान की आर्थिक स्थिति इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के टैक्स को नहीं दे सकता तो मैं क्या करूंगी उसको बोलूंगी एक काम करते हैं तू मुझसे कुछ पैसा रख ले उधार है ना और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को चुका दे जिससे तुम्हारे जमीन बची रहेगी और उस पर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट में कमाना शुरू कर दूंगी तो एक डिफरेंट कम्युनिटी एक डिफरेंट वर्ग जिसको महाजन के नाम से जाना जाता है वहां पर यहाँ पर राइज हो रहे हैं जो किसानों को क्या देते थे लोन देते थे और बहुत ज्यादा इंटरेस्ट उनसे लेते थे और जब किसान लोन नहीं चुका पाते थे तो उनकी जमीन को हड़प लेते थे बात समझ में आ रही तो ये रैयत वाले सिस्टम का ड्रॉबैक निकला कि जो किसान थे किसान जमीन के मालिक थे ये बात सही है ज़मीन को बेचने रखने का अधिकार उनके पास था लेकिन टैक्सेस इतने ज़्यादा थे कि किसान की इनकम के अकॉर्डिंग टैक्सेस बहुत ज़्यादा थे जिसके कारण ये कर्जे में चले गए डेप्ट आ गया इनके ऊपर कर्जा आ गया और कर्जे के कारण फिर इनको ज़मीन बेचनी पड़ी इसके कारण भी 1857 का रिवॉल्ट आपको देखने को मिलता है हालांकि ज़मींदार खत्म हो गए लेकिन नया वर्ग महाजन शुरू हो गया अच्छा ये कहाँ कहाँ पर देखने को मिलती है रैयतवाड़ी तो मैंने बताया सबसे पहले तो मद्रास तमिलनाडु में इसके अलावा इसको एक्सटेंड किया गया था महाराष्ट्र बरार ईस्ट पंजाब कुर्ग और असम के रीजन में आपको ये सिस्टम देखने को मिलता है अगला सिस्टम जो आता है वो महलवारी सिस्टम होता है अब देखिए महलवारी सिस्टम को क्या है यहाँ पर जमींदार तो हमें चाहिए ही नहीं है किसानों से डायरेक्ट कम्युनिकेट हो नहीं पा रहा है अच्छे से अब यहाँ पर हम बात करते हैं महलवारी सिस्टम की इसमें क्या किया गया जो गांव होते हैं गांव को बोला जाता है महल एक विलेज जो है उसको क्या बोलेंगे महल बोलेंगे और विलेज हर एक गांव में आप लोगों को आज भी पता होगा एक सरपंच होता है एक प्रधान जिसको बोलते प्रधान भी बोला जाता है तो गाँव का एक होगा क्या प्रधान होगा उस प्रधान को बोल दिया गया कि ये गाँव आपका है आप अपने गांव के किसानों से कम्युनिकेट कीजिए और आप उनसे रिवेन्यू उनसे टैक्स इकट्ठा कीजिए और हमको टैक्स दीजिए अब जमींदार ने गांव का जो प्रधान होगा गांव का जो सरपंच होगा वो टैक्स को कलेक्ट करके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को देगा मतलब वापस से वापस से यहाँ पे जो डायरेक्ट कम्युनिकेशन था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का और फार्मर का वो खत्म हो गया अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी किससे कम्युनिकेट करती थी प्रधान से और प्रधान तो प्रधान की पावर बहुत ज़्यादा बढ़ गई यहाँ पे तो प्रधान फिर जब अपनी पावर किसी के पास ज़्यादा आ जाती तो उस पावर का कुछ लोग दुरुपयोग करने लगते गलत तरीके से उपयोग करने लगते तो प्रधान ने भी वही किया पावर का गलत तरीके से यूज़ करने लगा और मन माह तरीक़ों से जो है वो किसानों से टैक्स वसूलने लगा तो किसानों की दुर्दशा जो है वो मतलब कंडीशन जो वो बहुत 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 वर्स्ट होते चले गए खराब होते चले गए अच्छा महल वाली सिस्टम को इंट्रोड्यूस किसने किया था तो 1832 में हॉल्ट मैकेजी के द्वारा हॉल्ट मैकनजी के द्वारा महलवारी सिस्टम की शुरुआत 1822 में की थी सबसे पहले इसकी शुरुआत जो है बंगाल प्रेसिडेंसी में शुरू की गई थी कहां पे की गई थी बंगाल प्रेसिडेंसी में महलवारी सिस्टम की शुरुआत की गई थी जहां पे महल का मतलब एक विलेज से होता है लिखा है द द एंटायर विलेज बिगर यूनिट इज कॉल्ड महल एंड वॉज ट्रीटेड एज अ वन यूनिट फॉर द पेमेंट ऑफ द लैंड रेवेन्यू बात समझ में आ रही है सब कुछ लिखा हुआ है पी में आपको मिल जाएगा ठीक है तो इसका इफेक्ट आपको आगरा अवध मध्य प्रदेश और पंजाब में भी देखने को मिलता है और इसको एक्सटेंड करने का काम लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने महलवाड़ी सिस्टम को आगे बढ़ाया था बात क्लियर है आगे जाके ये सिस्टम भी फेल हो जाता है और 1857 के रिवॉल्ट में इसलिए किसान बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं ठीक है तो आपने देखा क्यों 1857 का रिवॉल्ट यहाँ हो रहा है कि किसान क्यों यहाँ पर काम कर रहे हैं अब आप कह रहे होंगे कि मैम ठीक है किसानों का तो समझ में आ गया अभी ट्राइबल क्यों काम कर रहे हैं तो देखो अब रिसोर्सेज की ज़रूरत है आपको रेल चलानी है कोयला चाहिए और कोयले के लिए आपको माइनिंग करनी है माइनिंग के लिए आपको जंगलों को काटना है और जंगलों में कौन रहता है ट्राइब रहते हैं तो जंगलों से ट्राइब्स को डिस्प्लेस किया गया पहली चीज़ और जो ट्राइबल्स कहते हैं कि जंगलों पे हमारा अधिकार है जंगलों पे हमारा अधिकार है आज भी ट्राइबल्स का लोगों का यही कहना है कि जंगलों पर हमारा अधिकार है तो यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स थे ट्राइबल्स को फार्मिंग करने नहीं देते थे ट्राइबल्स के एरिया को ऑक्यूपाई करते थे ट्राइबल्स को बोलते थे कि जंगल आपका अधिकार नहीं है जंगल हमारा अधिकार है तो इस तरीके से जो ट्राइबल्स थे वो भी 1857 के रिवॉल्ट में अंग्रेजों की पॉलिसी के कारण देखने को मिलते हैं तो आज हम ज्यादा बातें तो नहीं करेंगे केवल और केवल दो, दो रिवॉल्ट हम पढ़ लेते हैं रिमेनिंग बातें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे सबसे पहले हम बात करेंगे आज का ये क्लू क्वेश्चन जिसका आंसर आपको परशम के जी अकाउंट पर देना है ठीक है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग फर्स्ट इंडो पाक वॉर जब पहला भारत और पाक युद्ध हुआ था उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे ठीक है, चलो हम बात करेंगे सन्यासी रिवॉल्ट के बारे में सन्यासी रिवॉल्ट जो है वो 1770 से लेके 1822 तक चला अब सन्यासी जो थे वो मराठा और राजपूतों की आर्मी में शामिल भी थे और मराठा और राजपूत के साथ साथ काम करते थे अच्छा जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की कोई पॉलिसी नहीं थी तो ये जो सन्यासी जो होते थे वो तीर्थ यात्राओं पे जाते थे है ना जो प्लेसेस होते हैं धार्मिक स्थान होते हैं वहाँ पर जाते थे और जब सन्यासी जमींदारों के पास जाते थे तो उनको उनसे क्या मिलता था कुछ हैंडसम अमाउंट मिलता था कुछ पैसे मिलते थे जिससे वो अपना सर्वाइवल करते थे लेकिन जब जमींदारी सिस्टम की शुरुआत होती है जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश राज की अच्छे तरीके से शुरुआत होती है तो जमींदार जो होते हैं वो सन्यासियों को जो पैसा देते थे वो देना बंद कर देते हैं पहली चीज दूसरी बात होती है जो तीर्थ यात्राएं होती हैं जो लोग तीर्थ यात्रा पे जाते हैं उस पर बैन लगा दिया जाता है प्रतिबंध लगा दिया जाता है तो सन्यासी रिवॉल्ट का मेन रीजन धार्मिक था क्योंकि उनको पहले तो यहाँ पे जो टैक्सेस दिए जाते थे उनको या उनको जो यात्रा करने के लिए पैसे दिए जाते थे जमींदारों के द्वारा वो बंद कर दिया गया साथ ही साथ साथ ही साथ इनको जो तीर्थ यात्राएं होती हैं उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया इसलिए सन्यासी रिवॉल्ट हुआ सन्यासी रिवॉल्ट और फ़कीर रिवॉल्ट ऑलमोस्ट सेम ही है इसका पूरा कहानी आपको बंकिमचंद चटर्जी की आनंद मठ में मिलेगी अगर क्वेश्चन आता है कि सन्यासी रिवॉल्ट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है तो आंसर आ जाएगा आनंद मठ जो कि बंकिम बंकिमचंद चटर्जी के द्वारा लिखी गई है ये जो पूरा सन्यासी रिवॉल्ट है आपको बंगाल बिहार और उत्तर प्रदेश के रीजन में देखने को मिलता है हालांकि आगे जाके जो वॉरन हास्टिंग हुए वॉरन हास्टिंग ने इसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया पूरी तरीके से दबा दिया और सन्यासी रिवॉल्ट जो है वो खत्म हो गया ठीक है तो सन्यासी रिवॉल्ट इसमें किसान भी शामिल थे जमींदारों के अगेंस्ट था ये साधु भी शामिल थे और फकीर भी शामिल थे तो एक तरीके से किसान साधु और फकीर रिवॉल्ट के नाम से भी आप इसको मान सकते हो जमींदारों और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट ये रिवॉल्ट किया गया था अगर इस मूवमेंट के हम मेन लीडर्स की बात करें तो भवानी पाठक और देवरी देवी चौधरानी तो भवानी पाठक और देवी चौधरानी का संबंध किससे है तो आंसर आ जाएगा सन्यासी मूवमेंट से इन लोगों का रिलेशन है इन लोगों ने बढ़ बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था

और ये एक धार्मिक आंदोलन था मुस्लिम धर्म को एक्सटेंड करने के लिए मुस्लिम संप्रदाय को एक्सटेंड करने के लिए बहावी मूवमेंट की शुरुआत की गई थी ठीक है हालांकि इसकी शुरुआत जो है वो किसने की थी तो इसकी शुरुआत आप देखेंगे यहाँ पर अः इस आंदोलन को तरीका ये मोहम्मदी अथवा बल्ली उलादी आंदोलन के नाम से भी जानते हैं जो पूरे देश में फैल गया था इसकी इसके जो प्रमुख नायक आप देखते हैं वो सर सैयद अहमद खां को आपको देखने को मिलेगा और मेन इसका जो रीज़न था वो पटना था पटना बिहार का जो रीज़न है वहाँ पर इस आंदोलन को आप देख सकते हैं रायबरेली में सैयद अहमद बारलेवी ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया और अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई की हालांकि बाद में ये मर गए थे इनकी डेथ हो गई थी और ये बाद में जो आंदोलन था वो एक किसान आंदोलन के रूप में कन्वर्ट हो गया क्योंकि किसान भी उस समय बहुत ज़्यादा यू नो नाराज़ थे इसलिए वो बहावी लोगों के साथ जुड़ गए और ये पूरा जो मुस्लिम समुदाय का आंदोलन था वो एक किसान आंदोलन में बदल गया लेकिन 1857 फिफ्टी सेवन के रिवॉल्ट तक इसको भी क्या कर दिया गया ख़त्म कर दिया गया ठीक है हालांकि अभी बहुत सारे रिवॉल्ट जो हमें पढ़ने हैं लेकिन क्लास काफी बड़ी हो रही है तो हम बाकी सारी चीजें जो है वो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे पीडीएफ जो है वो परचम की आप वेबसाइट पर जाएंगे वहां से देख लीजिएगा और अब क्लास ओवर होने के बाद आप एप्लीकेशन पर जाइए और वहां से वहां से आप जो है वो क्यों सॉल्व कर लीजिए ठीक है तो थैंक यू सो